स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ चैप्टर 8 का पार्ट 2 है ना। 7 तक कंप्लीट हो गया, 8 का भी एक वीडियो पार्ट 1 दे दिए हैं। पार्ट 1 ना देखा हो तो देखिएगा, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखेंगे 13 नंबर से, 12 नंबर तक वहाँ देखे थे, 13 नंबर से क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करेंगे। 13 नंबर में क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए सी बी एंगल ए सी बी 50 डिग्री, तो ए डी बी का मान निकालिए। देखिए ए बी सी डी जो है चतुर्भुज वो समचतुर्भुज है ना। क्या है समचतुर्भुज? समचतुर्भुज कैसा होता है? जैसे ये मान चलिए है समचतुर्भुज, सम दिख रहा है थोड़ा, देखिए ये एक समचतुर्भुज है मान चलिए। समचतुर्भुज नाम लिख देते हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज बना देना है। उसके बाद ए सी बी दिया हुआ है 50 डिग्री, ए सी बी यानी कि यहाँ से एक विकर्ण खींचना होगा इस तरह से, एक विकर्ण यहाँ से भी, तो ए सी बी यानी यहाँ जो कोण बन रहा है ये वाला वो दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है, ए सी बी 50 डिग्री। अब देखिए सम चतुर्भुज का जो गुण होता है, गुण की यहाँ से जो सम द्विभाजित हो रहा है इसका विकर्ण वो 90 डिग्री होता है एक दूसरे पर, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये वाला विकर्ण इसके 90 डिग्री, ये इसके 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री होता है एक दूसरे का, 90 डिग्री होता है, ठीक है। यानी हमको यहाँ मालूम है कि ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये चारों तरफ से हमको पता है कि 90 डिग्री है, और ये 50 दिया हुआ है। और निकालने क्या बोला है, ए डी बी, ए डी बी मतलब यहाँ देखिए ये निकालना है ये। अब देखिए दिया हुआ वहाँ का है और ये बीच वाला मालूम है, वहाँ का और यहाँ का हमको निकालना है, इधर का डी निकालना है यानी ए बी डी इधर वाला कोण निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो डायरेक्ट अगर यहाँ से यहाँ आना चाहे तो संभव नहीं है, या यहाँ से भी यहाँ संभव नहीं है। एक तरीका है कि अगर हम यहाँ वाला पता कर लेते, ये वाला, ये पता चल जाता तो ये 90 पता है, तो दो को पता है तो तीसरा भुज हम निकाल सकते हैं, त्रिभुज जो कि बन रहा है यहाँ पे, है ना, ये त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का दो अगर पता रहे तो तीसरा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको पता करना होगा, तो ये पता करने के लिए देखिए इस तरह का बन रहा फोटो, ये यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए, और ये दिया हुआ 50। तो बताए थे कभी कि जब भी ये जेड जैसा बनता है उसको एकांतर कोण कहते हैं, तो इसमें जो दो कोण बनता है ये जेड वाला में, ये दोनों हमेशा इक्वल होता है ना, एकांतर कोण इक्वल होता है। तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, यानी इसको हम 50 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर 50 हो गया तो यहाँ से देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, इस तरह का एक त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 50 है, हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए दो को जब 90 डिग्री रहे, एक को 90 डिग्री रहे दो गुने और एक 50, यानी कि दो एंगल अगर दिया हुआ है तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं त्रिभुज का तीनों कोण का योग से। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है ना, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, तो दो को दिया हुआ है, एक इसको नहीं दिया हुआ है तो इसको मान लीजिए x प्लस 50 प्लस 90, तीनों जोड़ने से 180, तो x प्लस 90 50 140 हो गया बराबर 180। तो x बराबर आ गया 180, ये प्लस में उधर जाके माइनस, 180 माइनस 140 यानी 40 डिग्री, तो ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो चतुर्भुज बनाने बोलेगा उसको पहले चित्र बना लीजिएगा तभी बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना। तो ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज बना था तो सम चतुर्भुज बना दिया। सम चतुर्भुज में याद रखिएगा विकर्ण इसका 90 डिग्री होता है, विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री में काटता है। एक दिया हुआ था डायरेक्ट यहाँ तो नहीं पहुँच सकते थे, तो यहाँ से यहाँ आए पहले 50 आए, फिर ये दोनों को जोड़ने से 180 से घटा दिए जोड़ के, है ना, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है, तो ये तीसरा कोण हमको फाइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब और फिर क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, समांतर चतुर्भुज अगर बोला है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने ये दो भुजा जो है पैरेलल होता है एक दूसरे का, पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके, तो ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसके आमने सामने के भुजा समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। थोड़ा सा
तबीयत डाउन है इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा होगा। समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें बोला है ए 60 डिग्री, ठीक है। पहले नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी के समांतर है, यानी ए बी सी डी, ए बी जो है डी सी के समांतर है, ये इसके समांतर है, ठीक है। उसके बाद बोला है ए 60 डिग्री है, ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री है, हमको बी निकालना है ये, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि इसका आसन कोण जो होता है एक साथ जो कोण है ये और ये कोण, तो ये आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज का गुण है ये, सामने सामने का कोण जो है आसन कोण जिसको बोलते हैं वो 180 डिग्री होता है उसको जोड़ने से, ठीक है। जैसे ये दोनों जोड़ेंगे 180, ये दोनों को जोड़ेंगे 180, ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो सामने सामने यानी आसन कोण इसका जो है वो 180 डिग्री होता है, तो हमको निकालना बी है, ठीक है। तो ए और बी जोड़ने से होता है ए प्लस बी बराबर होता है 180 डिग्री। तो ए दिया हुआ है 60 प्लस बी बराबर 180, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 180, ये प्लस में इधर आके माइनस, तो 180 में 60 माइनस करें तो 120 डिग्री, तो बी आ गया 120 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर में एक आकृति दिया हुआ है, इस तरह का आकृति है ये, इसमें ये है एक्स, ये 4x, यहाँ पे 3x, यहाँ 2x, बोला है x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये तो बेहद सिंपल क्वेश्चन है, देखिए x का मान निकालना है, 1 2 3 4, चार को कोना है, चारों कोना का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। x में हमको x का मान फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 1 2 3 4 भुजा है, चार कोण है, यानी कि चतुर्भुज है ना, और चतुर्भुज का चारों कोण का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये तो पता ही होगा। तीनों कोण कितना होता है 360 डिग्री, चारों कोण, तो चारों को जोड़ दीजिए, एक तो एक्स है प्लस एक है 4x प्लस 3x और एक है 2x बराबर होता है 360 डिग्री, सबको जोड़िए, 4 5 3 2 5 5 5 10x बराबर 360, ये 10 0 0 कट गया तो x बराबर 36, तो x का मान निकालने बोला था, x का मान है 36, ठीक है, x कितना है 36 डिग्री, आया बात समझ में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोनों का, कोनों सी तथा डी का योगफल कितना होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज ये ऐसा होता है, तो ये नाम रख दीजिए ए बी सी डी, तो बोला है सी और डी का योग, सी ये और डी, तो ये देखिए कैसा कोण है, आसन कोण, और आसन कोण का योग बोले थे कितना होता है 180 डिग्री, तो सी और डी का जोड़ होगा 180 डिग्री, सिंपल क्वेश्चन था। 17 नंबर में एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, यदि बड़ी भुजा का माप इतना है तो छोटी भुजा का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिमाप दिया हुआ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर दिया हुआ है, कहाँ गया 22, समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है 22, और बोला है कि यदि बड़ी भुजा का माप जो है 6.5 है, बड़ी भुजा का माप 6.5 है ना, इसको हटा देते हैं, बड़ी भुजा 6.5 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा ज्ञात कीजिए, छोटी भुजा है ना, इसको थोड़ा छोटा सा बना दे रहे, ए बी सी डी, सी और डी निकालना था तो जोड़ने का जोड़ 180 होगा, सी प्लस डी बराबर 180। देखिए समांतर चतुर्भुज फिर से है, तो समांतर चतुर्भुज एक बना देंगे इस तरह से, ये हो गया समांतर चतुर्भुज, इसका परिमाप दिया हुआ 22, परिमाप 22 यानी बॉर्डर की लंबाई है ना, भुजाओं की लंबाई दिया हुआ, टोटल लंबाई 22 है, बड़ी भुजा वाला है 6.5 यानी ये वाला है 6.5, तो छोटी भुजा कितनी होगी, छोटी भुजा कितनी होगी, बड़ी भुजा ये 6.5, तो भुजा तो आमने सामने बराबर होता है, ये भी 6.5, ये हमको फाइंड करना है, ये कुछ नहीं तो एक्स मान लीजिए, इसको कुछ नहीं है तो मैथ में एक्स मान लीजिए, सबसे इजी तरीका। अब देखिए परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग, क्या होता है भुजाओं का योग,
तो सभी भुजा को अगर जोड़ दे तो कितना हो रहा है, x प्लस एक्स दो एक्स है प्लस 6.5 प्लस 6.5 बराबर दिया हुआ है 22। परिमाप समझ में आता है ना, भुजाओं का योग यानी किनारा जितना है पूरा टोटल किनारा को जोड़ने से जितना आता है उसी को परिमाप कहते हैं। तो ये टोटल किनारों का योग दिया हुआ है यानी परिमाप दिया हुआ 22। तो किनारों को जोड़ दिए, एक्स एक्स दो की है, अरे 6.2 दो, ठीक जोड़िए, एक्स और एक्स हो गया 2x प्लस 6.5 और 6.5 हो गया 13 है, 5 5 10, 6 6 12 13 हुआ नहीं सर, क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट के बाद जीरो का नहीं वैल्यू, इसलिए 13 बराबर 22। ये प्लस में है 13, उसको उधर कर दीजिए क्योंकि हमको एक्स निकालना है, तो 22 माइनस 13, 22 माइनस 13 मतलब क्या बचेगा, 9 एक्स बट्टा 2, ये काट दीजिए तो 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, तो एक्स बराबर आ गया 4.5, ठीक है, ये एक्स यानी कि छोटा भुजा 4.5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, 4.5 सेंटीमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है लंब होता है, क्या होता है वो पूछा था, क्या होता है लंब होता है ना, समांतर समांतर बोलते सम चतुर्भुज का ना, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। देखिए सम चतुर्भुज का विकर्ण कैसा होता है, तो सम चतुर्भुज बताए थे, सम चतुर्भुज यानी जिसका चारों भुजा, सम चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो जिसका ये समांतर भुजा तो हो इसके साथ साथ बीच वाला ये है 90 डिग्री हो, है ना, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर यानी विकर्ण ये है, ये होता है कितना डिग्री, 90 डिग्री, और 90 डिग्री ऑप्शन नहीं है तो लंब दिया हुआ ऑप्शन, 90 डिग्री को ही लंब कहते हैं, ठीक है, तो लंब होता है। एक आयत का प्रतीय कोण होता है, चलिए 19 नंबर भी देख लेते हैं, यहाँ पे आयत का बोला है प्रतीय कोण, तो आयत का प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, आयत आयत समझ में आता है ना, आयत का सभी कोण होता है 90 डिग्री, इस तरह ये सब 90 डिग्री और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए 90 हो तो सभी और सभी भुजाएँ बराबर है तो वह एक क्या है, देखिए समांतर चतुर्भुज एक बोला है जिसमें बोला है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ये कैसा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बोला है 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है और सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर, तो देखिए सब भुजा बराबर और ए 90 डिग्री यानी कि इस तरह का होगा, है ना, ये ए बी सी डी मान लीजिए, सब भुजा बराबर और एगो 90, एगो 90 माने सभी 90 होगा, सब भुजा बराबर है तो, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं वर्ग, है ना, तो इसका आंसर हो गया वर्ग, कोई दिक्कत नहीं, वर्ग हो गया इसका आंसर, तो 20 तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 7 क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है वो बताना है। देखिए किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य यानी एक त्रिभुज मान के लिए, ये त्रिभुज मान लेते हैं ये इस तरह का, तो बोला है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य, दो भुजा है इसके मध्य बिंदु को मिलाने, ये मान के ये मिलाने वाला रेखाखंड तीसरा भुजा का क्या होता है, तीसरा इसका क्या होता है, तो इसका हमेशा आधा होता है, याद रखिए क्या होता है आधा होता है, ठीक है, तो ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट याद करने वाला चीज़ है, याद ध्यान रखिएगा। देखिए इसको अगर बीच से काट देंगे, ये बीच इसका भी और इसका बीच ऐसा, तो इसका आधा हमेशा आता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं और उसके विकर्ण भी समान हो तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितना होगा। देखिए शॉर्ट में थोड़ा क्वेश्चन लिख दिए, चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा भी बराबर है बोल रहा और विकर्ण भी बराबर है तो उसका कोण कितना होगा, उसका प्रत्येक कोण कितना होगा, प्रत्येक कौन बताना है कितना होगा, ठीक है, प्रत्येक कौन हमको फाइंड करना है कितना होगा। तो देखिए आमने सामने का भुजा भी बराबर है और उसका विकर्ण भी बराबर है तो ये कहाँ ऐसा होता है, आयत में होता है, ठीक है, आयत में होता है, ये आमने ये विकर्ण भी बराबर होता है आयत में और ये आमने सामने का भुजा भी, तो आयत का ये सब क्या होता है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। 23 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए सी तथा बी डी बिंदु बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद
करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो एंगल ए ओ बी का मान क्या होगा? देखिए ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या है? वर्ग। तो वर्ग का ये जो भुजा होता है चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, इसका विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और ये सब कितना होता है? 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री। तो बोला है ए बी सी डी, पहले एक ए बी सी डी वर्ग बना लिया, अब बोला ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ए सी यानी ये वाला और बी डी ये प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ पे? यहाँ पे, ये कौन सा बिंदु? ओ। तो बोला है ए ओ बी कितना होगा? ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला, ये फाइंड करना है, ठीक है। ए ओ बी कितना होगा? तो ये कितना होगा भैया? 90 डिग्री होगा। विकर्ण जहाँ पे कटता है वो क्या होता है? 90 डिग्री, है ना। ये इस भी 90, इधर भी 90, चारों तरफ 90 डिग्री होगा, है ना। समचतुर्भुज या वर्ग इस विकर्ण जो कटता है वो 90 डिग्री में कटता है, तो कोई दिक्कत नहीं। चित्र बनाइएगा, अपने समझ में आ जाएगा, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन अब है, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में किस आकृति का विकर्ण समान लंबाई का होता है? विकर्ण समान लंबाई का, विकर्ण समान लंबाई का, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ रहा है ना। तो विकर्ण समान लंबाई का होता है आयत में, है ना। आयत का विकर्ण समान लंबाई का होता है। 25 नंबर में है, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है तो वह क्या है? तो वह समचतुर्भुज है, ठीक है। समकोण पर विकर्ण कट रहा है, विकर्ण जो है समकोण, समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित, समद्वि भाजित करता है तो वह क्या है? तो विकर्ण जिसका समकोण पर समद्विभाजित करता है ये वर्ग है, या तो उसको समचतुर्भुज कहेंगे, सम चतुर्भुज, है ना। तो वर्ग ऑप्शन रहे तो वर्ग लगाएंगे, और समचतुर्भुज तो समचतुर्भुज, तो यहाँ पे समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज 25 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। 26 नंबर में, यदि ई तथा एफ त्रिभुज ए बी सी डी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, ई एफ का मान क्या होगा? सिंपल, ई अभी देखे थे कहाँ गया, ये इस पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए 26 नंबर बोला है ई एफ, ए बी सी डी एक त्रिभुज, ए बी सी डी एक त्रिभुज बना देते हैं, ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज, ई और एफ जो है ए बी और ए सी का मध्य बिंदु, ए बी और ए सी का मध्य यानी बीच में, ये बीच में है, क्या है? ई और एफ, ई और एफ, ठीक है, ई और एफ है। तो बोला है ई एफ का मान कितना होगा? ई एफ कहाँ गया? ई एफ, ये तो ये क्या होता है बोले थे? इसका आधा, तीसरा भुजा का आधा, जैसे इसमें बोले थे यहाँ पे त्रिभुज बनाए थे, अगर ये वाला जो है तीसरा का आधा, ठीक है, बीच से मध्य बिंदु से जो भी मध्य बिंदु से जो रेखा खींचते हैं वो तीसरा भुजा का आधा होता है। तो यही मध्य बिंदु से एक रेखा खींचे तो ये तीसरा भुजा ये है उसका आधा होगा। तो ई एफ पूछा कितना होगा? तो आधा किसका? बी सी का, तो आधा बी सी होगा, है। चलिए 27 नंबर देख लेते लास्ट क्वेश्चन, यदि ए पी बी और सी क्यू, सी क्यू डी दो समांतर रेखाएं हैं तो कोणों ए पी क्यू ये समद्विभाजक बनाते हैं। यही क्वेश्चन है, यदि ए पी बी और सी क्यू डी दो समांतर रेखा है, तो चलिए तो समांतर रेखा पहले बना देते हैं, ए पी बी दिख रहा है, तो समांतर रेखा है, रेखाएं हैं, तो कोण ए पी क्यू बोला है, ए पी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ इसको मिलाना पड़ेगा, ए पी क्यू एगो कौन बना है ना, यहाँ क्यों होगा ए पी क्यू, फिर बोला है बी पी क्यू, बी पी क्यू ये वाला कौन, फिर बोला सी क्यू पी, सी क्यू पी ये, फिर पी क्यू डी, पी क्यू डी ये के समद्विभाजक बनाते हैं, समद्विभाजक यानी ये बीच में कट रहा है, चलिए ये दोनों आधा आधा है दोनों तरफ, ये बीच में कट रहा है, तो ये क्या होगा? तो ऐसा कुछ होता है, अजीब है थोड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन है एक वर्ग, तो वर्ग तो नहीं होगा, समचतुर्भुज नहीं होगा, आयत दिया हुआ है, तो अच्छा इधर से बंद कर देते, इधर से बंद कर देते तो आयत था, लेकिन बंद करने का कोई नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन चलिए बंद ही कर दीजिए और आयत लिख दे, आयत बनेगा। ये थोड़ा उठपटांग क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा इस क्वेश्चन।
तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था इसमें ना। अगला चैप्टर है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये सब अभी तक जितना समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज सब पढ़े उस सब का आप क्षेत्रफल निकालेंगे अगले चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। थैंक्स।